नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, इस भर्ती में जो है अप्लाई करने की आपकी डेट होगी वो 24 जुलाई से 6 सितंबर 2020 के बीच में होगी। मतलब आज से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो आपकी होगी वो होगी 6 सितंबर 2020। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 जुलाई 2020 से 6 सितंबर के बीच 20 के बीच में आपके लिए कौन कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती में कौन कौन सी ट्रेड की भर्तियां निकलेंगी वो पूरी जानकारी देने वाले हैं आपके लिए। तो दोस्तों, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास एंड सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट पब्लिक नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की भर्तियाँ यहाँ पर निकली हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपके लिए देते हैं हम। चलिए आपको लेके चलते हैं हम इस नोटिफिकेशन के लास्ट में। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है सोल्जर जनरल ड्यूटी। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी में आपको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों 17.5 से 21 साल, मतलब 17.5 से 21 ईयर्स तक। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए 166 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपकी 166 सेंटीमीटर हाइट है तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सोल्जर जनरल ड्यूटी में हाइट लेते हैं वो 170 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 166 सेंटीमीटर क्यों है? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि आर्मी में आप सभी को पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो भर्ती जिस स्टेट में निकली है उस स्टेट में दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए हाइट 166 सेंटीमीटर ही लेते हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट में भर्तियां निकली हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए निकली हैं वो मैं आपके लिए बताऊंगा अभी। वेट यहाँ पर दोस्तों 50 kg होना चाहिए और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों सिंपल 10th क्लास पास होना चाहिए विद सेकेंड डिविजन, मतलब 45% मार्क्स होना चाहिए आपके 10th क्लास में और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 33 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की। तो सोल्जर टेक्निकल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोल्जर टेक्निकल में अप्लाई करने के लिए आपको एज लिमिट आपकी है 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपको होना चाहिए 50 केजी और चेस्ट आपको होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। उसके बाद में सोल्जर टेक्निकल में अप्लाई करने के लिए आप 10+2 पास होना चाहिए विद साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ और इंग्लिश, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश आपके पास में होना जरूरी है और आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी जो 12th में ओवरऑल परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40% नंबर से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन। तो सोल्जर ट्रेड्समैन यहां पर हम बात करेंगे 10th पास की, उसके बाद में बात करेंगे हम 8th पास की, ठीक है। तो अभी केवल हम जो 10th पास के लिए सोल्जर ट्रेड्समैन हैं जिनकी ट्रेड्स में कौन कौन सी ट्रेड में ये भर्ती देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेसर, चेफ, स्टीवर्ड, सपोर्टर स्टाफ एंड वॉशरमैन। तो इन ट्रेडों के लिए जो भर्ती देखते हैं दोस्तों उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होती है। तो एज लिमिट 17.5 से 23 साल है, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। हाइट इनकी 166 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और इनको सिंपल 10th पास होने चाहिए और इनकी कोई परसेंटेज यहाँ पर मायने नहीं रखती है। केवल आप 10th पास हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन एट्थ पास। तो एट्थ पास वाले जो हैं, मतलब आप अगर 8वीं पास हैं तो आप ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए दो ही ट्रेड में आप भर्ती देख पाएंगे, मैस कीपर और हाउस कीपर। ठीक है, तो मैस कीपर और हाउस कीपर की ट्रेड में भर्ती देखने के लिए आपके लिए एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाइट आपकी 166 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो दोस्तों आपके होने चाहिए 8 पास, और 8वीं क्लास में आपको किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं सोल्जर क्लर्क। तो सोल्जर क्लर्क में भर्ती देखने के लिए आपके लिए एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लर्क की भर्ती देखने के लिए आपके पास में आर्ट, कॉमर्स या साइंस आप किसी सब्जेक्ट से हो कोई मायने नहीं रख सकता। आपके लिए 12th पास होना चाहिए, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है वो आपके ओवरऑल जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। अगर आपके 60% है तभी आप क्लर्क में भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की। तो यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट आपकी है 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और इस भर्ती को देखने के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इस भर्ती को देखने के लिए आपके पास में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स और ओवरऑल 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम दोस्तों आपको लेके चलते हैं अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका होगा रैली साइट पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दो ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहाँ पर रनिंग की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अपनी रनिंग 1600 मीटर क्रॉस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। और वही रेस आपने 1600 मीटर की अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आपने की तो आपके लिए 48 मार्क्स मिलेंगे। अभी बात करते हैं पुलअप्स की। तो आपने अगर 10 पुलअप्स मारे तो 40 मार्क्स, 9 पुलअप्स आपने किए तो 33 मार्क्स, 8 पुलअप्स किए तो 27 मार्क्स, 7 पुलअप्स किए तो 21 मार्क्स और 6 पुलअप्स किए तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 9 फिट डिच और जिगजैग बैलेंस जो होगा वो आपको नीड टू क्वालिफाई करना होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल की दोस्तों बात हो गई। फिजिकल में आर्मी में बस इतना ही लेते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा जो इसका सेकंड पार्ट आएगा कि यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, और आपके लिए जो NCC या फिर आपका स्पोर्ट्स है तो आप किस स्पोर्ट्स से आपके लिए कितने नंबर मिलेंगे। तो अभी बात आई है दोस्तों कि ये भर्ती कहाँ पर है और ये भर्ती कब होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 24 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो भर्ती है दोस्तों वो आर्मी रिक्रूटिंग रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, तुमकुर। ठीक है, मैं इसको हाईलाइटर को हटा देता हूँ जिससे आप ठीक से पढ़ पाएं इसके लिए। तो ये जो दोस्तों भर्ती है वो बेंगलोर अर्बन, ये देखिए बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, बेलेरी, चमरंजन नगर, रामनगरा और कोडगु, कोलर और ये चिकबल्लापुरा, हसन एंड चित्रादुर्गा फॉर सोल्जर ड्यूटी, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है। तो अगर आप बेंगलोर ARO से हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब